अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी महीनों के बाद मूसा साहब का व्लॉग बन रहा है। रमज़ानों में मना नहीं सके थे क्योंकि फ़लस्तीन का इतना था, पहले सोचा चीज़ें अपलोड करें मनाएं, लेकिन मना नहीं पाए। फिर ईद आई, छोटी ईद हमारी पहली ईद, और हमारे साथ इतनी बड़ी क़यामत गुजरी। हमारे फैमिली में मेरे स्टेप फादर, मेरे डड्डा, मूसा के छोटे नाना फैसल, उनका इंतकाल हो गया अचानक, और वो हमारे लिए इतना बड़ा सदमा कि हम उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हमारे घर की रौनक, और मूसा तो उनकी जान था। और बस ये जाए नमाज मूसा के लिए लाए थे वो रमज़ानों में। इस बार उन्होंने अच्छे खासे रोज़े हमारे साथ गुजारे, और बस उनके जाने से घर से रौनक ख़त्म हो गई। अच्छे खासे थे, अचानक क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। हालांकि दूसरे दिन हमारे यहाँ दावत थी, सब सामान ला के रखा उन्होंने, हर चीज़ ला के रखी। और मैंने सुनी कि भी आगे दूसरी शादी थी उनकी, तो वो उस घर में रहते थे ज़्यादा, इधर आते जाते थे मतलब, लेकिन वहाँ से वो अपने ससुराल गए, दूसरे ससुराल, तो नेक्स्ट डे यहाँ आना था उन्होंने। और अचानक तबीयत ख़राब हुई, सुबह फ़ोन आया वालदा को कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं जा रहा हूँ, और बस सांस उखड़ रही है। उसके बाद फ़ोन करते रहे हम उनके नंबर पे जी, तो पता चला उनकी वाइफ, सेकेंड वाइफ शिलज़रा ने उठाया और बोला जी फैसल हमें छोड़ के चले गए, इनका इंतकाल हो गया। हमारे लिए वो झटका था, वालदा को बता नहीं सके अचानक, क्योंकि जाहिर सी बात है शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट। फैसल नाना कहाँ है बता दो जरा सबको, फैसल नाना कहाँ, फैसल नाना कहाँ गए, कहाँ गए बता दो, फैसल नाना कहाँ गए, बाहर गए, कहाँ बाहर? मूसा बोलते हैं फैसल नाना ऊपर चले गए। फैसल नाना आएंगे, आएंगे फैसल नाना? ये इतना उनसे अटैच था मूसा, और इतना उनको याद करता है उनकी वीडियोस देख के। कोई बाइक आए, उनकी बाइक 125, उन्होंने बोला था कि ये मेरे बेटे की बाइक है और मैं बड़ा होऊंगा इसके साथ सामान लेने जाया करूंगा इस पर, ये मेरा बेटा है, ये मेरा नहीं, ये अपने नाना का बेटा था, फैसल नाना का बेटा था ना। बस अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए और उनके लिए आसानी पैदा करे आगे। ज़िंदगी तो चलती रहती है, सब खाना पीना घूमना फिरना, लेकिन उस शख्स की कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। और डड्डा की, मूसा के छोटे नाना की, फैसल की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। इतने लोग आए जाएं, कुछ भी हो, लेकिन उनकी कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती, ना हो पाएगी। हर चीज़ में, हर पल में वो हमें याद आते हैं, और इतनी शिद्दत से आते हैं कि बस। और मेरा तो साथ ही उनका बचपन का था, मैं बचपन से उनके साथ ही रहती थी, और एक तरह से उन्होंने मुझे पाला, मेरी शादी की, फिर मतलब मैं शुरू से साथ ही हूँ। मेरा बच्चा ये मूसा माशाल्लाह 8 साल बाद हुआ, और उनकी जान था ये, बस उनकी अपनी भी बेटी है फबिया 8 साल की, उस बच्ची पे भी क्या गुजरी, बस क्या कर सकते हैं। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, उसको आगे उनके लिए सवाब बने, उनका अच्छे नेक काम करे। यही वजह थी जो ब्लॉग हम नहीं डाल पा रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू करे, लेकिन मैंने कहा एक वीडियो एक ब्लॉग बना के आप लोग को वजह बताई जाए कि क्या वजह थी कि मूसा के ये ब्लॉग नहीं बन रहे थे। आप लोग भी उनके लिए खूब दुआएं कीजिएगा, मेरी चैनल पे उनकी वीडियोस हैं, देखिएगा मूसा के नाना की, और उनके लिए दुआ करिएगा उनकी मगफरत के लिए। आइसक्रीम नहीं है, इनको आइसक्रीम खानी है। फैसल नाना लाए थे आइसक्रीम आपके लिए, फैसल नाना लाए थे ना लास्ट टाइम आइसक्रीम आपके लिए, आपने नहीं खाई। बस इंशाल्लाह मूसा के व्लॉग में मनाऊंगी। मूसा हाय कर दो सबको, बाय बाय। बाय बाय नहीं, हाय।
हेलो हेलो, और मूसा के लिए खूब सारी दुआएं कीजिएगा, और मेरे डड्डा के लिए भी खूब सारी दुआएं कीजिएगा। मूसा फैसल नाना को किच्ची कर दो, ऐसे ऐसे। मूसा बहुत याद करता है उनको, उनकी वीडियोस देखता है, तो बाइक कोई आ जाए तो इंसान बस चला जाता है, उसकी चीज़ें यादें रह जाती हैं। चीज़ें भी खैर क्या, हमारे पास तो उनकी यादें ही हैं, उनकी बातें, उनकी यादें, उनकी तस्वीरें, बस यही है। आज वो गए हैं, कल हमने जाना है, लेके तो किसी ने कुछ नहीं जाना, बस यादें छोड़ जानी है, अपना सामान छोड़ जाना है, वो भी दूसरों के हाथों में। हम लोग कैसे चीज़ें समेट समेट के रखते हैं, हमारी कितनी पर्सनल चीज़ें होती हैं। मैंने ये देखा है कि कोई हाथ ना लगाए, किसी को पता ना चले, कुछ ये ना हो, कितने सीक्रेट्स होते हैं। लेकिन जब हम मरते हैं तो वही चीज़ें दूसरों के हाथों में होती हैं, बेगम के हाथ में। बेगम मर गई तो मियाँ, या तो दोनों मर गए, कोई नहीं है तो किसी और घर के हाथ में, किसी की औलाद है किसी की नहीं है। तो चीज़ें तो बस निशानी के तौर पर ही रखी जाती हैं, बाकी यादें और बातें रहती हैं, उनके लिए दुआ होते हैं, नफिल होते हैं, बस यही कर सकते हैं हम उनके लिए। हमारी जान थे वो, हम सब की। हमारा ऐसा रिश्ता था, एक कहते हैं स्टेप फादर, लेकिन वो स्टेप फादर से भी बढ़ के थे। इतना प्यार से उन्होंने हमें रखा, और इतने हर किसी से प्यार मोहब्बत वो करते थे, और लगता ही नहीं था, मतलब एक महफिल की जान थे वो, और हमारी महफिल की जान। सब चीज़ें हैं, बकरा ईद है, ईद सब चीज़ें, लेकिन वो नहीं है तो कोई रौनक ही नहीं है। आ रही हूँ। आप सबको हाय तो बोलते हैं, आइसक्रीम तो खिला दें सबको, और अपनी स्कूटी दिखाई आपने, स्कूटी तो दिखा दें आप सबको, स्कूटी दिखा दें, और जाय नमाज दिखा दें जो फैसल नाना लाए थे आपके लिए। और बस उनकी याद हर पल है, और क्या बोल सकते हैं, आप लोग भी उनके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, और मूसा के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक करिएगा। नो स्कूटी तो दिखा दें सबको आप अपने। अच्छा वो बिया को आवाज़ दे दें, कहाँ गई बिया को बुला लें, बाहर गई हैं। और वो फैसल नाना कहाँ गए, ऊपर 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 कहाँ है, कहाँ दिख रहे हैं ऊपर आपको, किच्ची कर दें फैशन नाना को। बच्चे जो है ना, बस चले, आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और खूब सारी दुआएं कीजिएगा मेरे डड्डा के लिए, मूसा के छोटे नाना फैसलुद्दीन खान के लिए, उनकी मगफरत की दुआ कीजिएगा, और मूसा को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती तरक्की दे। और इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ आएंगे, और अब मूसा का व्लॉग बनता रहेगा, कोशिश यही रहेगी कि मूसा के वीडियोस और व्लॉग डालते रहें। इंशाल्लाह न्यू व्लॉग्स के साथ आएंगे। ये क्या है, मम्मा को दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ दो, बाय बाय, ऐसे कर दो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय, चलें जी, अल्लाह हाफिज़।